आइए प्रेमी श्रोताओ, भटियारी नहीं मानती रानी अमली की बात और जबरदस्ती सौदागर के जहाज पे रानी अमली को खाना लेकर भेज दिया। जैसे ही रानी अमली ने सौदागर की तरफ को भोजन की थाली पकड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया तो सौदागर ने रानी अमली का हाथ खींचकर अपने जहाज में गई ली। उधर राजा अंब और दोनों बच्चे सरवर नीर पत्ते चुगकर भटियारी के पास आए। बच्चों ने अपनी माँ को जब नहीं पाया तो बड़े व्याकुल हो गए कि हमारी माँ कहाँ गई। पिताजी से कहते हैं कि पिताश्री, इस भटियारी से पूछिए कि हमारी माँ कहाँ है, हमें बड़ी जोर की भूख लगी हुई है, वो हमारे लिए कुछ भोजन बनाएगी और हम भोजन खाएंगे। राजा अंब भटियारी से पूछते हैं कि भटियारी, मेरी पत्नी कहाँ है? तो भटियारी ने न्यू कह दिया, अरे कौन पत्नी, किसकी पत्नी, वो तो तुमको छोड़कर भाग गई है। राजा अंब न्यू सोचने लगे कि एक तो समय बिगड़ गया, धन दौलत माल खजाना सब कुछ लूट गया, और जो अपने आप को पतिव्रता कहती थी आज वो भी मुसीबत में साथ छोड़कर चली गई। राजा अंब और सरवर नीर को अपनी गोदी में ले लेते हैं और भटियारी की सराह को छोड़कर चल देते हैं। चलते चलते राजा अंब और दोनों बच्चे क्या सोचते हैं, क्या लिखा फौजी मेहर सिंह जी सुनते आल्हाते हमें अधिना हो गे होनी ने घर घाले बाप और बेटा छोड़ सा